व्हाट्स गुड एवरीवन, एक और बार बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूं। तो हमारे सामने खड़ी है ब्रांड न्यू 2022 रॉयल एनफील्ड हंटर 350। फिलहाल ये मॉडल इसका टॉप एंड मॉडल है। प्लस कलर की बात करें तो बहुत ही सेक्सी सा कलर हमको यहाँ पर देखने को मिल गया है। बट मेन चीज जिसके बारे में हम आज बात करने वाले वो है इसी बाइक का एग्जॉस्ट, जिसको हमने मॉडिफाई करके थोड़ा सा लाउड बना दिया। फिलहाल यूट्यूब पे ज्यादा मॉडिफिकेशन की वीडियोज नहीं है ये, इसलिए काफी एक्सक्लूसिव कंटेंट है ये, आप लोगों की काफी हेल्प हो जाएगी। तो फिलहाल अगर इस एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहीं से इसका जो एग्जॉस्ट है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। सारे के सारे बोल्टों आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और उसी के अंदर में हमने इसमें मेगा फोन एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया है। थोड़ा सा शॉर्ट दिख रहा है, बाकी बाइक्स के लिए थोड़ा सा बड़ा भी आता है, जैसे कि मीटियोर के लिए, क्लासिक के लिए। प्लस हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी क्रोम एग्जॉस्ट को चूज करने की, क्योंकि लगाने की बहुत ज्यादा जल्दी थी भाई को। साथ में हमारे कुणाल भाई, इस बाइक के ओनर, कैसे? इन्हीं की जो लास्ट बाइक हमने कवर करी थी हस्क, वरना सेल कर दी ना वो। तो फिलहाल इसको भी हम थोड़े टाइम में ब्लैकआउट करवा देंगे, क्योंकि बाइक के अंदर में थोड़ा सा भी क्रोम नहीं छोड़ना। एंड यस, बहुत सारी मॉडिफिकेशन भी इस बाइक के अंदर में ऑलरेडी हो चुकी है। फटाफट से कवरेज स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो होने वाली इसी बाइक और इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में। सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। एज यू कैन सी, भरी गर्मी में धूप के अंदर में वीडियो बनानी पड़ रही है, बट क्या करें, कंटेंट इज एवरीथिंग। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी मजबूत करते हैं, यही करेंगे। ठीक है अंकल जी, कह रहे तैयारी कर ली आपने, मतलब बहुत तेज भगाने वाले हो। कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट है, थोड़ा बहुत तो आपको एग्जॉस्ट का आइडिया लग ही गया होगा। बट साथ ही मैं बात कर लेते हैं इसी बाइक के थोड़ी बहुत डिटेल्स के बारे में। 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 20 पीएस ऑफ पावर अलोंग विद 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। रॉयल एनफील्ड की तरफ से सबसे सस्ती बाइक आज के टाइम पे आपको ये देखने को मिल जाती है। एंड माइंड इट, डिलीवरी लेते टाइम शोरूम से निकाल के घर तक इस बाइक को मैं ही लेकर आया था, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ। पर्सनली मुझे ये बेस्ट बाइक लगती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जस्ट राइट आफ्टर GT। टू बी ऑनेस्ट, बहुत क्यूट सी छोटी सी बाइक है, बिल्कुल भी अंडर पावर्ड महसूस नहीं होती है। एग्जैक्ट सेम आपको क्लासिक वाला इंजन देखने को मिल जाता है। काफी सारी चीजें क्लासिक रिबॉन्ड से और मीटियोर से ली हुई है। बहुत सारे बड़े बड़े मेजर पार्ट्स की यहाँ पर शेयरिंग कर दी गई है, जैसे कि ये मीटर। चिल्लाने की क्या जरूरत थी भाई, आराम से ही बोल देता। प्लस यार बहुत ही ज्यादा फन टू राइड, एज यू कैन सी बहुत ही इजी टू मैनूवर, बहुत ही एजाइल। और जो भी बंदा इस बाइक को चलाएगा वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा कि भाई मजा आया, चार्ज हो चुके हैं। ये देखो। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना राइड वीडियो कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा रोड आने देते हैं, उसके बाद में अच्छा खासा स्ट्रेच लेंगे। प्लस गाइस कहना पड़ेगा कि बाइक ने आते ही मतलब कहर सा मचा दिया है, बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग इसकी चल रही है। एंड रॉयल एनफील्ड की तरफ से काफी ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट ये निकाला गया है। आप लोग खुद देखो, प्राइजेस ही इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव निकल के आ रही है कि कोई लेने से मना कर ही नहीं सकता। अगर इनिशियल प्राइसिंग की बात करें तो 1.81 लाख, यानी कि 1,81,000 से ये बाइक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसमें आपको देखने को मिलता है रेट्रो मॉडल। फिलहाल ये हमारे पास में मेट्रो मॉडल एकदम टॉप एंड मॉडल है, ये हमको पड़ा है 2,07,000, यानी कि 2,07,000 रुपए में। दोनों मॉडल के अंदर में डिफरेंस आपको देखना है तो आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हो। बस हमारी फेवरेट रोड आने ही वाली है, तो वहां पर एक बहुत ही क्रेजी सा ड्रैग लेंगे। बट उससे पहले मतलब ये देखो, स्टेबिलिटी ही देख लो इस बाइक की। प्लस कुछ अच्छे फीचर्स भी है जिसके बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। एंड अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन की, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से ओरिजिनल जेन्युइन वाइजर, मतलब बाइक को काफी बल्कि काफी बोल्ड सा लुक प्रोवाइड करता है सिर्फ इकलौता वाइजर। प्लस एक ब्रांड न्यू हेडलाइट यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। पहले तो थोड़ी सी पार्ट शेयरिंग चलती थी, बट ये वाली जो है एकदम ब्रांड न्यू है, थोड़ी सी छोटी है साइज में, बट लुक बहुत ही क्रेजी दे रही है। साथ ही में नीचे हमारे इंजन की बैश प्लेट या फिर इंजन प्लेट देखने को मिल जाती है,
है वो भी एग्जैक्ट जेन्युइन है। ये दोनों पार्ट्स शोरूम से ही लिए गए, बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। प्लस यहाँ पर आपको एक छोटा सा इंजन गार्ड या फिर लेग गार्ड देखने को मिल जाता है, हालांकि लेग की तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो हम इसको इंजन गार्ड ही बोलेंगे। प्लस यहाँ पर एज यू कैन सी हैंड ग्रिप्स भी इंस्टॉल्ड है जो की हमने कल ही करवाई है ब्लैक कलर में, मॉडर्न होने के बावजूद इसमें काफी ज्यादा सूट कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा मेगाफोन एग्जॉस्ट। अब एक बार आपको अच्छे से आवाज सुनाते हैं। तो एज यू कैन सी काफी ज्यादा बेसी साउंड ये बाइक प्रोड्यूस कर रही है एंड अभी आइडली खड़ी है, बिल्कुल भी साउंड नहीं है, मतलब टोटली जीरो साउंड जो कि एग्जैक्ट स्टॉक बाइक में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा ही रेव देंगे प्रॉपर एग्जॉस्ट नोट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब ले लेते एक छोटा सा ड्रैग। ऑल्सो गाइस कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल पोस्चर आपको देखने को मिलता है। हैंडल ज्यादा बड़ा नहीं है बट सफिशिएंट है। सीट हाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी है 790 mm के, मतलब 5'3" 5'4" वाले बंदे भी बहुत इजीली इस बाइक को चला लेंगे। एंड एक और चीज जो आपको चलाते हुए महसूस नहीं होगी वो है इस बाइक की साइज, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट और बहुत ही छोटी सी बाइक ये देखने में लगती है, हालांकि है भी जितना हमने रॉयल एनफील्ड के बारे में देखा है बहुत बड़ी बहुत बल्कि लंबी सी बाइक होती है, उस टाइप की बाइक ये बिल्कुल भी नहीं है। प्लस सबसे खूबसूरत है इसका टेल पार्ट जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है इस वाले एरिया से। चलते हैं वापस से एक और ड्रैग। सो गाइज आई होप कहीं ना कहीं मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि अगर आप इस बाइक में एग्जॉस्ट चेंज करवाना चाहते हैं या फिर मेगाफोन लगवाना चाहते हैं स्पेशली तो आपको किस टाइप का साउंड और पावर देखने को मिल जाएगी। बाकी मॉडिफिकेशन की वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है। सो दैट्स फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप। जल्द मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आल्सो इन द नेक्स्ट वन। ऑल्सो गाइज कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, ये आईडी आपको देखने को मिल रही है। Goodbye.